आदाब। किताबें बोलती हैं के तहत एक और किताब के तारुफ के साथ आपका मेज़बान रज़ा सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की किताब एक अफसानवी मजमू है दिलज़दा, जिसके खालिक हैं मुमताज़ राशिद लाहौरी। मुमताज़ राशिद लाहौरी शायर भी हैं और नसर निगार भी। उनका अदबी सफ़र 1976 में शुरू हुआ। 1977 में बसिलसिला रोज़गार कतर चले गए, जहाँ 36 साल मुकीम रहे। मुमताज़ राशिद लाहौरी बुनियादी तौर पर शायरी की राह के मुसाफिर हैं। दर्जन भर शेरी मजमूए उनके क्रेडिट पर हैं। हफीज़ जालंधरी मरहूम ने एक बार कहा था कि किसी अदीब के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो शायर भी हो, लेकिन हर शायर के लिए ज़रूरी है कि वो अदीब भी हो। मरहूम का ये कौल मुमताज़ लाहौरी पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरता है। शायरी में अपना सिक्का मनवाते हुए उन्होंने नसर की दो किताबें लाहौर के नए पुराने रंग और पाकिस्तानी नगमा निगारान भी कारीन की नज़र की हैं। बात का पतंगड़ भी नीम अफसानवी मजमूआ था, जिसमें मुमताज़ राशिद ने अपनी नसरी असलूब की झलक दिखाई थी कि इसमें भी चंद अफसाने शामिल थे। और अब आते हैं उनकी किताब के तारुफ की तरफ। दिलज़दा मुमताज़ राशिद लाहौरी का ये एक मुकम्मल अफसानवी मजमूआ है। उनके इस अफसानवी मजमूए में 45 अफसाने हैं। उनके ये अफसाने छोटे छोटे वाक़यात पर मबनी हैं। खामोशी बहुत बड़ी हकीकत है। खामोशी ही ज़िंदगी का सरचश्मा है और ज़िंदगी का दरिया खामोशी के समंदर में जा गिरता है। दरमियान का मुख्तसर सा वक्फ़ा, मुख्तसर सा ये सफ़र, छोटी छोटी खुशियों, बड़े बड़े हादसों, अहमकाना ख्वाहिशों और लाइलाज परेशानियों से अटा हुआ है। ज़िंदगी के बारे में मुमताज़ राशिद लाहौरी का फ़लसफ़ा भी शायद यही है कि वो अपनी सारी कहानियाँ इन्हीं दो खामोशियों के दरमियानी वक्फ़े यानी मुख्तसर और नापायदार ज़िंदगी से अखज़ करते हैं। उनकी कहानियाँ ना तो सुए अफलाक की इस कुदसी फ़िज़ा की हामिल हैं जहाँ तक पढ़ने वाले का जहन परवाज़ कर सके, और ना ज़मीनी तफाक़ात और क्यासात की बैसाखियों पर चलते हैं कि बाशऊर कारीन की नाजुक सोच पर गरा गुजरे। उनकी कहानियाँ, उनके अफसाने हमारी रोज़मर्रा हकीकी ज़िंदगी की खुशियों, हादसों, ख्वाहिशों और परेशानियों की सच्ची तस्वीर हैं। उनका ताल्लुक हमारी अपनी ज़मीन से है, हमारे समाज से है, हमारे दौर से है, जिसमें आप लोग और हम सब सांस ले रहे हैं। धरती से जुड़े मुमताज़ राशिद लाहौरी की कहानियों के किरदार हमारे चारों बिखरे हुए हैं। उनका एक अफसाना है गूंगा और कालू। बिलाशुबा उनका ये अफसाना दही माहौल में जागीरदाराना निज़ाम में जन्म लेने वाला कामयाब तरीन अफसाना है। मुमताज़ राशिद लाहौरी ने अपना ज़्यादा वक्त गैर ममालिक में गुजारा है, लेकिन इस अफसाने में उन्होंने मुख्तसर अल्फाज में जागीरदाराना गुलाम गर्दिशों में जन्म लेने वाली कहानियों को कुछ इस अंदाज में बयान किया है गोया इसी धरती के जागीरदाराना निज़ाम के वो खुद भी हिस्सा रहे हों, और कहानी कहने का ये अंदाज़ उन्हीं का खासा है। मुख्तसर से बयानिए में सूरत हाल पूरे जज्बात के सामने उभर कर सामने आ जाती है। कहानी का किरदार नंबरदार महर शेरा हवेली के अंदर मौजूद ख्वातीन में से किसी के साथ रात को घर की दीवार फलांग कर मरासम बढ़ाने पर अपने एक मुलाजिम कालू को कत्ल करके कत्ल का इल्ज़ाम दूसरे गूंगे मुलाजिम पर इस उम्मीद पर लगवा देता है कि उसे हर कीमत पर बचा लिया जाएगा। एक पैराग्राफ देखिए। पुलिस के सिपाही गूंगे को गिरफ्तार करके उसे हथकड़ी लगाकर अभी महर शेरा की हवेली के बाहर बैठे थे। गूंगा खामोश और पुरसकून था। महर शेरा
लस्सी पानी से सिपाहियों की टहल सेवा कर चुका तो सिपाही गूंगे को लेकर थाने की तरफ चल दिए। थोड़ी दूर तक मेहर शेरा भी साथ गया। वापस मुड़ते हुए उसने रुककर गूंगे के शाने पर हाथ रखा। मेहर शेरा की आंखों में झांकने के बाद गूंगे के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर मजीद गहरा हो गया था। उसी शाम मेहर शेरा गांव के दो मेहमानों को बुलाकर हवेली की चार दीवारी को मजीद ऊंचा करने का तखमीना लगवा रहा था। मुमताज़ राशिद लाहौरी ने मकालमे की बजाय बयानी में अपनी कहानी को मानी अता किए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मकालमे का इस्तेमाल ही नहीं किया। जिस अफसाने को उन्होंने किताब का नाम दिया है वो यानी कि दिलज़दा है, जो सरापा मकालमा है। उनके अफसाने बंद संदूक, दलेर लड़की, डरपोक माँ, ढलती उम्र का मेकअप और 24वीं सदी के मादूम रिश्ते ऐसे अफसाने हैं जिन्हें मुमताज़ राशिद लाहौरी ने खुशगवार मोड़ देकर ख़त्म कर दिया है। उनका अख्ताम पढ़ते हुए एक धीमी सी मुस्कुराहट लबों पर फैल जाती है। इन अफसानों में दलेर लड़की, डरपोक माँ के बारे में डॉक्टर सलीम अख्तर का कहना है कि अफसाना ख़त्म करने का ये अंदाज़ किसी हद तक बैनुल अक्वामी करार दिया जा सकता है। मुमताज़ राशिद लाहौरी ने अपने अफसानवी मजमूए का इंतसाब सादत हसन मंटो के नाम किया है और यकीनन दोस्ती किया है कि उन्हीं की इख्तसार नवीसी की तकलीद की है मुमताज़ राशिद लाहौरी ने। गूंगा और कालू, गदला पानी, शहर तसव्वुर, एक महरूमी का अजाला, रूठी हुई बीवी, नए घर का मुकम्मल नक्शा, फीकी चाय पढ़ते हुए मुमताज़ लाहौरी की इंसानी नफ्सियात पर गहरी नज़र की दाद देनी पड़ती है। बंद संदूक उस अफसानवी मजमूए का एक और अहम अफसाना है जो असमत चुगताई की खाला बी का संदूक याद दिला देता है। मुमताज़ लाहौरी ने 45 अफसानों में 45 असलूब और 45 जायके कारी को चखा दिए हैं। वो इख्तसार नवीसी में माहिर हैं। शायद ऐसा इसलिए है कि वो शायर हैं जहां दो मिसरों में पूरा जहान बांधना पड़ता है। कहानी का हुस्न उसे बनाए रखने में है, लेकिन कहीं तवालत के चक्कर में कहानी में मजमून की लज्जत आ गई है। जहां जैसा कि उनकी कहानी मस्त कलंदर है, तसव्वुफ़ के सिलसिलों का बयान उसे अफसानों की हदूद से बाहर ले जाता हुआ महसूस होता है। मुमताज़ लाहौरी को अफसानों की बुनत में तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहिए। ये खूबसूरत अफसानवी मजमूआ रहमानिया किताब मरकज़ लाहौर ने शाया किया है। इसकी कीमत 250 रुपये मुकर्रर की गई थी जब ये किताब छपी। अब भी ये मेरे अंदाज़े के मुताबिक इसी कीमत में आपको दस्तयाब हो सकती होगी, लेकिन डाक खर्च इसके अलावा होगा। मुझे नहीं मालूम कि उनकी तकसीम कारी में इसमें डाक खर्च शामिल होता है या नहीं होता, लेकिन इस पर कीमत दर्ज जो है वो 250 रुपये है। इसके नाशिर हैं रहमानिया किताब मरकज़, 298 अलहमरा टाउन, रायवंड रोड, लाहौर। लेकिन इसे हासिल करने के लिए आप मियां अदील मुमताज़, 119 आसिफ ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन, लाहौर से राब्ता कर सकते हैं। ये पता एक बार फिर सुन लीजिए, मियां अदील मुमताज़, 119 आसिफ ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन, लाहौर। कित खूबसूरत किताब छपी हुई, खूबसूरत किताब, छोटे छोटे अफसानचे कह लीजिए इनको, 45 जो अफसानचे हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके 168 सफ़ात हैं।
कीमत इसकी सिर्फ 250 रुपये है। अफसाने को पढ़ने के लिए, अफसानों के पढ़ने वालों के लिए ये एक खूबसूरत किताब है। हमारा मानना है कि किताब से बेहतर कोई तोहफा नहीं, लेकिन तोहफा वो जो तोहफों की तरह ख़रीद कर किसी को दिया जाए। किताब पढ़िए, किताब कल्चर को फ़रोग दीजिए, किताब ख़रीद कर पढ़िए, दूसरों को किताब का तोहफा दीजिए, इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं। अपने दोस्त रज़ा सदीकी को इजाज़त दीजिए, एक नई किताब के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।